तो क्या आप अपने लिंक्स को शॉर्ट करके पैसा कमाने की सोच रहे हैं लिंक शॉर्टनर वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, और कंफ्यूज है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी लिंक शॉर्ट करके अपने पैसे को कमाने के लिए। तो आज मैं दोस्तों यही बताने वाला हूँ। बस उससे पहले स्वागत है आपका हाउ डू में, मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आज बताऊंगा आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आप कौन सा जो है यूज कर सकते हो लिंक शॉर्टनर और इजीली अकाउंट बना सकते हो और इजीली वहां से पेमेंट भी निकाल सकते हो। बस उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास आती रहे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हम कैसी वीडियो बनाते हैं। हम बनाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है, इन सभी निश में मैं वर्क करता हूँ और मैंने पूरी पूरी सीरीज में बना रखी है, ठीक है। आगे भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं तो ताकि वो वीडियो आपसे छूटा जाए इसलिए आप हमें अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। और एक लाइक जरूर दे देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने इन तीनों को जो है इनका बेस्ट कंपैरिजन करके दिखाया आपको कि किस तरीके से कौन सा लिंक जो है वो वर्क करता है और किससे आपको जल्दी फायदा होता है और कौन से में आपको अकाउंट बनाना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं सीधा इनके एक एक करके इनके अकाउंट को बनाते हैं और उसके बाद मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इन्हें इनके लिंक बना सकते हो और दूसरा उससे ट्रैफिक लेके आप अपना फायदा उठा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, और इन तीनों में बेस्ट कौन सा है अगर आपको सिर्फ एक यूज करना है तो, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे यहाँ पर लिखेंगे जीपी लिंक्स और क्लिक करेंगे पहले ही ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे jplinks.in.com, तो आपको .com पे नहीं जाना है, .in पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये आपके सामने जीपी लिंक्स का जो है पूरा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर ये यह रखा है कॉन्टेक्ट वगैरह हाउ इट वर्क, और यहाँ पर आप आओगे साइन अप कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे हम इंटरफेस पहले देख लेते हैं पूरा हाउ इट वर्क्स पेज, क्रिएट एन अकाउंट, शॉर्ट योर लिंक, शेयर लिंक्स, अर्न मनी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार। और फीचर्स इसके जो है वो है फीचर एडमिन पैनल आपको मिलेगा, डिटेल स्टेट्स मिलेंगे, लो मिनिमम पे आउट मिलेगा और API वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये ट्रस्ट एंड सेफ्टी, फास्टर पेमेंट एंड 24/7 सपोर्ट मिलेगा इनका, ठीक है जी। और इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या क्या चल रहे हैं इस टाइम पे, जीपी लिंक्स, जीपी मोजो लोड एंड बुलेट प्रूफ। तो बुलेट प्रूफ के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना रखी जो गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव है, देख सकते हो आप वीडियो जाके, आई बटन भी दे दूंगा मैं आपको। और ये है इनकी कंपनी पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है ये कंपनी, तो ये एक इंडियन कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो बाकी नीचे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रखा, अब ऊपर आते हैं और ये सब हमने देख लिया है, इसके बाद हम यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करते हैं, ठीक है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लेंगे यूज़र नेम, कोई सा जो यूज़र नेम आपको सही लगे वो ले लो, फिर आप ईमेल आईडी दे दो और अपने पासवर्ड को यहाँ बना लो। मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर, एक अच्छा सा पासवर्ड जो मुझे याद रहे, ठीक है। इसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यह देखो अकाउंट मेरा बन गया है, अब आप यहाँ दोबारा लॉगिन करोगे, और अगर आप चाहो तो यहाँ नीचे जो गूगल का ऑप्शन देखा आप गूगल की जीमेल आईडी से भी साइन अप कर सकते हो, ठीक है, और उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो, तो ये भी इजी पड़ेगा। तो यहाँ हम लॉगिन कर लेते हैं, तो ये आ गया जी इसका पूरा इंटरफेस, ओके। अब आते ही यहाँ पर डैशबोर्ड पे इसने कहा एक्शन रिक्वायर्ड कंप्लीट योर प्रोफाइल, ठीक है जी, ये सब कुछ दिखा रहा है। अब ये कंप्लीट प्रोफाइल के लिए कह रहे हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और मैनेजर प्रोफाइल में जाते हैं, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ सारी, तो ये मैंने डाल दी अपनी डिटेल्स सारी, और सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, ओके जी। इसके बाद यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड टू अवॉइड पेमेंट डिले, तो पेमेंट डिले को हटाने के लिए भी हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, इस पर चलते हैं और इसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो विड्रॉल कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ दिखा दिया, और यहाँ पर ये है आपको चार ऑप्शन पेटीएम, UPI, ठीक है, और बैंक ट्रांसफ़र और गूगल पे प्ले गिफ्ट कार्ड। तो पेटीएम पे आपको 1.5% देना पड़ेगा और UPI पे 4 से 6 रुपये देने पड़ेंगे आपको, 4 से 6 रुपये करीब, और बैंक ट्रांसफ़र भी 4 से 6 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन बेटर लगे आप वो कर लेना, वो जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है आप वो ट्राई करो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर UPI दूंगा, ठीक है, मेरे लिए UPI ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना UPI नंबर डाल देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ।
ठीक है जी। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, और ये रिफ्रेश करने के बाद सब कुछ हो चुका है। नीचे यहाँ पर आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ चेक कर लेते हैं जो साइड में लेफ्ट में दे रखा है। तो यहाँ मैनेज लिंक्स, टूल्स, रेफरल्स और पेटीएम। अब रेफरल्स पे आप आओगे तो यहाँ पर देखो, रेफ़र करने पर आपको 5% मिलेगा, आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ये सिर्फ आपको कॉपी और शेयर करना है, ये आपको लिंक दे रखा है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और इसे कहीं भी शेयर कर देना है, किसी दोस्त यार को या जहाँ भी आप चाहते हो शेयर करना, इससे आपको 5% मिलेगा, ठीक है। पेमेंट्स में चलते हैं। पेमेंट्स में यहाँ पर आपको देखो $5 जो है आपकी मिनिमम पे आउट है, ठीक है। और रिक्वेस्ट मनी आपको भी कर सकते हो इसमें, ये आपका जो है UPI अपडेट रखा यहाँ दिखा रहा है, और ये आपका बैलेंस वगैरह, माई प्रोफाइल वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। मैनेज लिंक्स पे आओगे तो यहाँ पर ऑल लिंक्स और हिडन लिंक्स और टूल्स पे आएंगे तो यहाँ क्विक मैस और फुल API वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो हम यहाँ पर खैर कुछ नहीं अभी सब चेक कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये देखो, ये आपका API टोकन वगैरह, अगर आपको वेबसाइट वगैरह यहाँ लगानी हो तो आपको ये लिंक लेना है, यहाँ पर वेबसाइट का नाम देना है, योर डेस्टिनेशन लिंक में, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड पर दोबारा से। मेरे को जो शुरुआत में ज्वाइनिंग अमाउंट मिला था वो $2 मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर 148 रुपीज़ दिखा रहा है, जो कि आप वीडियो में भी देखोगे भी शुरू आगे चल के, ठीक है। यहाँ पर देखो, यह क्लिक दिखा रहा है कि यहाँ पर एक क्लिक हुआ है जिससे मुझे 2.69 रुपीज़ जो है वो मिला है। और RPM देखो यार, आप RPM है इसका 2694, मतलब 2694 रुपये के आसपास RPM दे रहा है ये। क्या बात है, अमेजिंग RPM दे रहा है यार ये, ठीक है। तो बस यही मैं कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखो स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो बन सके और आप भी अपने लिंक से जो है पैसा कमा सको, ठीक है जी। बस आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो लिंक मैंने दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करना है। उससे आपको फायदा ही होगा कि जैसे ही आप वहां से आप ज्वाइन करोगे तो मेरी तरीके से आपको भी $2 जो है तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। $2 खराब नहीं है यार, अच्छे ही हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो ये आ गया हम स्क्रीन पे, ठीक है। ये है publisher.linkvertise.com, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम वगैरह डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब चीज़ डालनी है। तो मैं बेसिकली डालता हूँ पहले, तो यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया है, अपना जो ईमेल आईडी है वो डाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद मुझे आई एक्सेप्ट और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो ये आ रहा है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। तो देखो ये आ गया हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इंग्लिश दे रखा है, इंग्लैंड का दे रखा है, तो बेसिकली जर्मनी की वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा गूगल ट्रांसलेट में, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखो क्रेडिट आपका $2 हो चुका है। तो ये $2 तभी आपको मिलेगा जब आप मेरे लिंक से क्लिक करोगे, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर लॉग इन करोगे, साइनअप करोगे, आपको $2 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसके डैशबोर्ड को जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दिखा रहा है व्यूज, क्लिक्स और लेफ्ट। अभी 0-0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 7 डेज की अर्निंग दिखाएगा, नीचे RPM, ठीक है, और ये सब कुछ जो क्लिक्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है। आपके जो लिंक होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा, और क्रिएट लिंक यहाँ पर से आप कर सकते हो, पॉलिसीज को आप नीचे पढ़ सकते हो, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। और यहाँ को इसको आप एक्सेप्ट करना चाहो एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर फुल स्क्रिप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है जिससे कि आप चाहते हो कि जो भी इसमें आप लिंक वगैरह देते हो तो आप एक्टिव फुल स्क्रिप्ट API कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट पर लिंक होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर कोई वहाँ पर क्लिक करेगा तो वो सीधा अर्निंग आपको मिल जाएगी उसकी, ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आराम से इस पे वीडियो बना दूंगा अलग से। अभी क्या है कि मैं पे आउट वगैरह पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ विड्रॉल अमाउंट जो है वो मेरा भी $2 है, और मैं $10 पे जो है यहाँ पर रिचार्ज और जो है पेमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट पे आउट आप यहाँ से कर सकते हैं जितना अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। और ऑटोमेटिक मंथली पे आउट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहें तो, ठीक है। तो अभी तो मैं खैर ये नहीं भरने वाला डिटेल्स, अब धीरे धीरे इसमें और भी हम चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पे आउट ड्यूरेशन जो है पर ट्रांजेक्शन है, अगर 3 दिन लगेंगे आपको अगर $100 तक आप बोलोगे तो, और 15 दिन लग जाएंगे अगर आप 100 से 1000 तक बोलोगे निकालने को, और 30 दिन के आसपास लगेंगे अगर आप $1000 के आसपास बोलोगे नहीं, ठीक है। इफ़ ए पेमेंट इज कैंसल्ड फॉर एनी रीज़न, $5 फी विल बी चार्ज। अच्छा एक सीन है बस, इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई भी रीज़न से रिजेक्शन होता है तो $5 जो है ये काट लेंगे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अगर ये इतना दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेना बनता भी है, ठीक
अब हम आते हैं एफिलिएट प्रोग्राम पे। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी नीचे लिंक दिया था, आप उस लिंक से क्लिक करके यहाँ पर आओगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट में इसको प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ मटेरियल मिल जाएगा आपको, यूट्यूब के लिए अलग से मटेरियल मिल जाएगा और प्रमोशन मटेरियल अलग से मिल जाएगा अगर आप करना चाहो तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि रेफर न्यू यूज़र एंड गेट 5% ऑफ देयर अर्निंग। अगर आप किसी को भी यहाँ पर जो है रेफर करते हो तो उनका 5% आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इतना हो गया है, इसके बाद आप हेल्प में आओ, हेल्प में आके आप इनसे कोई भी चीज़ जो है सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है ना। और पेपल अकाउंट मस्ट बी लिंक टू योर बैंक। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपके अकाउंट से जो पेपल अकाउंट है वो आपके बैंक से जरूर लिंक होना चाहिए, ठीक है। सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम है वो ये है, ठीक है जी। प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पर हम इंडियन रुपीज़ ले लेते हैं, ओके। और डिस्प्ले नेम को मैं हाउ टू डू से शिव शंकर कर देता हूँ, ठीक है जी। और लैंग्वेज मैं जो है इंग्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग सेव कर देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग सेव कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं पे आउट में। अब यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस वगैरह हमें करना है तो पहले मैं लेता हूँ इंडिविजुअल, ठीक है। ईमेल आईडी मेरा सेम रहेगा, फ़ोन नंबर मैं ले लेता हूँ इंडिया का, ठीक है जी। ये रहा 91 कर दिया, फुल नेम, ठीक है जी, ये हो गया। तो मेरा एड्रेस हमेशा लगभग ये ले लेता अपने आप साथ से ही। और कंट्री इंडिया कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस प्रोवाइड यू कुड नॉट बी वेरीफाइड, प्लीज रिव्यू एंड कंफर्म द एड्रेस बिलो। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपका अकाउंट करेंसी वो इंडियन रहेगी आपको। पेमेंट मेथड जो है लोकल बैंक ट्रांसफर मैंने लिया है, इसमें दिखा रहा है पहले से ही, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ई चेक है, लोकल बैंक ट्रांसफर है, वायर ट्रांसफर है, चेक है, पेपल है। तो अगर आप कोई भी चाहो तो कर सकते हो, बस पेपल में ध्यान रखना आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट। तो मैं बैंक ये करता हूँ, लोकल वाला ट्रांसफर करता हूँ, बैंक नेम कर देता हूँ मेरा HDFC। पूरा जो डिटेल है भर के उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने सारी डिटेल जो है भर दी है, आई एग्री पे क्लिक कर दिया है। और अब मैं यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, डन। वी आर ऑल सेट, पेमेंट विल बी मेड पर योर सिलेक्शन। जैसे आप सिलेक्ट करोगे ये आपकी पेमेंट को कर देंगे जब आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक ठीक है जी। ये हो गया है। और ऑटोमेटिक मंथली पे आउट यहां पर ही चेक कर लेते हैं इसे भी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे आउट जो है वो ये अपने आप ऑटोमेटिकली दे देंगे अगर आपका हो जाएगा तो, ठीक है जी। तो चलो अभी हम इसको यहां पर कर देते हैं खत्म। तो ये है एफ्लाई का अकाउंट, और यहाँ पर आने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल को ऑन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है एफ्लाई लिंक शॉर्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा एफ्लाई.in, आपको पहले वाले लिंक पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो आप सेम अकाउंट पे चले जाओगे जो मैंने भी खोल रखा है, यहाँ पर ये लिंक शॉर्टनर वाला। तो यहाँ पर आप URL डाल सकते हो और ये पूरा जो है इनका होम वगैरह दे रखा पूरा। चलो एक बार हम नॉर्मल देख लेते हैं पूरा क्या क्या है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, शॉर्ट योर लिंक, अर्न मनी, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर रेफरल बोनस 5% का है आपका, और एडमिट पैनल है कि लो मिनिमम पे आउट है इनका, $5 पे आउट मिल जाता है इनका। और साथ में आप API भी लगा सकते हो अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो खैर और वेबसाइट में भी है। तो नीचे आते हैं और API वगैरह सब कुछ ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम पे आउट रेट्स में चलते हैं इनके। और यहाँ पर आप देखोगे जो पे आउट रेट्स हैं वहाँ डेस्कटॉप और मोबाइल के अलग अलग दिखा रखे हैं। और जैसे सिंगापुर का यहाँ पर देखो $4 है डेस्कटॉप, और मोबाइल का है $8, ठीक है। और UK का देखो बहुत बढ़िया है, $10 है डेस्कटॉप का, $6 मोबाइल का है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी कंट्री में जिसका हमें मतलब है, तो वो है इंडिया। अब इंडिया का जो $4 है आपका 1000 व्यूज़ पे, और $4 दोनों है, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे ही $4 है, ठीक है, 1000 व्यूज़ का। तो चलो रेट तो मतलब सेम $4 है दोनों जगह सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और इससे $4 तो आप निकाल ही सकते हो, और भी आगे आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलो साइनअप करते हैं, साइनअप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपना यूज़र नेम लेते हैं। तो मैं आपको ये यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ बनाते हैं। तो मैं आपको ये तरीका दिखा रहा हूँ, जिसमें दो तरीके हैं। एक आप ऐसे कर सकते हो रजिस्टर, ठीक है, जिसमें आप पासवर्ड वगैरह लोगे और I am not robot पे क्लिक करोगे और I agree पे क्लिक करोगे, ठीक है। लेकिन मैं इसमें दूसरा तरीका अपनाऊंगा जो कि गूगल वाला, जीमेल वाला, ठीक है।
तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको ये तरीका बता सकूँ, क्योंकि पिछले अकाउंट में मैंने दूसरा तरीका अपनाया था। यहाँ पर ये अपनाएंगे, यहाँ पर हम जीमेल अकाउंट लेंगे और सिंपली यहाँ पर इससे हम लॉग इन कर लेंगे। तो ये डैशबोर्ड आ गया, आप सपोर्ट व्हाट्सअप ले सकते हो इन पर, ठीक है। और ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है और ये इनकी कुछ नोटिस चल रही है जिसके बारे में बात करेंगे। व्हाट्सअप पे आप इन ये अवेलेबल हैं, ये लोग टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इनको, ठीक है। नीचे सारा आईडी दे रखी है। तो ये टोटल व्यूज़ दिखा रहे हैं, अर्निंग, ठीक है, रेफरल एवरेज दिखा रहा है पूरा यहाँ पर, और ये मंथली रिपोर्ट दिखा रहा है। तो अनाउंसमेंट में चलते हैं। तो पेटीएम अपडेट कुछ आया हुआ है यहाँ पर, पेमेंट डिटेल के बारे में ये बता रहे हैं और